वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत जोरों पर है। वहीं बिल बढ़ने से उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि जोड़कर बिजली बिल भेजा, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं जनवरी में बढ़े बिजली बिल ने उपभोक्ताओं की परेशानी को बढ़ा दिया है। बिजली बिल बहुत ज्यादा आते टाइम, थोड़ा दिक्कत होते, गरीब आदमी है ना। पंखा अभी तो फिलहाल पंखा चल रहा था ठंड में, और बाकी तो कुछ नहीं, लाइट दो चार ठंड लाइट जलत थे बस। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने VCA चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले चार महीने में ये दूसरी बार है जब बिजली बिल VCA चार्ज की वजह से बढ़ा है। क्या है VCA चार्ज? VCA चार्ज यानी वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट। VCA चार्ज 49 पैसे बढ़ाया गया। पहले ये दर 61 पैसे थी, जो अब 1.10 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। 100 यूनिट की खपत में बिजली बिल 400 रुपए है। नए VCA दर में 49 रुपए ज्यादा देने होंगे। सितंबर 2022 में भी VCA चार्ज 0.23 पैसे बढ़ाया गया था। चार महीने में 0.72 पैसे यूनिट महंगी हुई बिजली। अगस्त और सितंबर में खरीदी गई बिजली महंगी मिली। बिजली बिल एडजस्ट करने के लिए VCA चार्ज बढ़ाया गया, इससे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बिल ज्यादा आने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। बिना 840 रुपया है और पिछले महीना 4500 पटा रहे हूं। इधर बिजली विभाग के अफसर ने कहा है कि अभी नए दर बढ़ने को लेकर दिशा निर्देश नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं के बिल को लेकर शिविर लगाया जाता है और उनकी समस्या का निदान किया जाता है। अभी तक तो हमारे मैनेजमेंट से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है, तो जैसा जारी होगा उसके हिसाब से फिर जो भी बढ़ोतरी होगी वो बिल में जुड़ के आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि कभी कभी शिविर लगाते हैं, है ना, और मैक्सिमम तो लोग आजकल पढ़े लिखे हो गए तो आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में ही आ जाते हैं, तो उनका वहीं पे निदान कर देते हैं। एक तरफ जनता परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली बिल को लेकर बयानबाजी है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 4 साल पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, वरन बिजली के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ आ गया है। पहले तो सुरक्षा निधि के नाम पर अत्याचार किया गया। बिजली बिल आप पिछले महीने का चेक कर लीजिए, लोगों के बिल में समझ में आ जाएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब बिजली के दरों में वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भूल चुकी है, कांग्रेस अपना वादा कर भूल चुकी है, और वर्तमान परिस्थिति में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो त्रस्त नहीं होगा इस सरकार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले तो उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, पहली बार इतिहास में और देश में पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य में जो 400 यूनिट बिजली माफ की गई है। आज बिजली बिल बढ़ने का मुख्य कारण है केंद्र सरकार जो है, मोदी की सरकार जो है, यहाँ से कोयला की प्राप्ति नहीं हो रही है जिससे बिजली बनती है। लोगों को सब बिजली की सप्लाई रेगुलर हो इसके लिए बिजली खरीदी भी जा रही है, और जब बिजली छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी तो निश्चित रूप से कुछ रेट का भार जनता के ऊपर पड़ेगा, वही भार पड़ रहा है। देखना होगा कि कब बिल बढ़ोतरी को घटाकर विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को राहत देता है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। एक छोटे से ब्रेक ले।